ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अभिषेक राजाराम सर के बारे में ना जानता हो। सर ट्विटर पे, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, ठीक है, यूट्यूब पर, हर जगह एक्टिव है। और सर का जो नाम है, एक तरीके से रिवोल्यूशनरी राजा के नाम से बहुत फेमस है। हम सब लोग सर के ट्वीट्स वगैरह देखते हैं सारी चीजें। और आज हमारा ये सौभाग्य है, ठीक है ना, कि सर ने हमें अपना कीमती समय दिया कि हाई कोर्ट्स की क्या क्या रिसेंट की जजमेंट्स है और उसे हम कैसे अपने नोटिस के रिप्लाई में यूज कर सकते हैं, जब हम अपील फाइल कर रहे हैं तो उसमें कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं अभिषेक राजाराम सर के बारे में बताऊं तो सर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सर कई बुक्स के ऑथर है, ठीक है ना, काफी सारी बुक सर ने लिखी है, ठीक है ना। वो जीएसटी ट्रेनर भी है, स्पीकर्स भी है इनडायरेक्ट टैक्स में, और टीवी डिबेट्स में भी काफी बार भाग लेते हैं। तो सर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, जीएसटी का, हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स का। Thank you. Good morning, everyone. And Sunday morning is really difficult to devote time to studies. देखो पढ़ना वैसे ही मुश्किल होता है और हम आप सबको लेकर आए कि भाई साहब बैठो और पढ़ो, बड़ा मुश्किल काम है. और संडे में सबके कमिटमेंट्स होते हैं. एंड स्पेशली दीपक छाबड़ा जी ने बड़ी अच्छी ओपनिंग रिमार्क्स दिए कि साहब नोटिस दोनों साइड से आते हैं और गाड़ी पकड़ी जाती है. मैं इसको करता हूँ. और सबसे बड़ा थैंक यू कपिल जैन सर का, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई. एंड आई एम प्राउड कि भैया मुझे भी इन्होंने एडवाइजरी बोर्ड मिली, हालांकि मैं लेट पहुंचा. मैंने कहा साहब दे दो, बोले बंद हो चुके रजिस्ट्रेशन. मैंने कहा नहीं सर, प्लीज मुझे अकोमोडेट कर लो. तो इट्स एन ऑनर टू बी ऑन द बोर्ड जहां पर कपिल जैन सर के साथ फोटो आ जाए, बहुत बड़ी बात लगती है. खैर, नाउ वी कम टू दिस, जहां से सर ने शुरुआत करी कि साहब नोटिसेस आ रहे हैं और नोटिसेस दोनों से आ जाते हैं. सवाल ये होता है क्या दोनों से नोटिसेस आ सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भैया एक से ही नोटिस लाना है? तो यहां से शुरुआत करते हैं कि साहब जो नोटिसेस हैं अगर इंटेलिजेंस बेस्ड है तो दोनों से आ सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं है तो जो आपका प्रॉपर ऑफिसर है वही देगा. लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड में भी सेम पॉइंट पर दोनों लोग एक ही चीज पर सवाल नहीं पूछ सकते. मान लीजिए मैं स्टेट में रजिस्टर्ड हूं और एक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, या जो भी रीजन था, फेक इनवॉइसेस में या जो भी रीजन था, कैंसिल हो गया. अब उसके लिए अगर मुझे नोटिस स्टेट से आ चुका जो मेरा प्रॉपर ऑफिसर है, और कुछ टाइम बाद सेंटर भी उसी के लिए नोटिस भेजता है, तो मैं हमेशा ये रिप्लाई कर सकता हूं दैट सर दिस इज द सेम थिंग विच इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन बाय माय प्रॉपर ऑफिसर. तो आपको जो भी डिटेल देनी है आप इस प्रॉपर ऑफिसर के पास भेज दीजिए. आई एम नॉट सब्जेक्टेड टू फॉर सेम पार्टी और सेम ग्राउंड्स आई कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू बाय बोथ ऑफ. मान लीजिए रामलाल के लिए मुझे स्टेट ने नोटिस भेजा और श्यामलाल के लिए सेंटर ने भेज दिया सेम पीरियड के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो दोनों वैलिड है क्योंकि दोनों के ग्राउंड्स अलग अलग हैं. तो रामलाल के लिए वो नहीं भेज सकते, घनश्याम लाल के लिए अब मुझे स्टेट नहीं भेज सकते. तो विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द 2 आवर्स ब्रेन स्ट्रॉमिंग विद द केस लॉस. और सबसे पहली शुरुआत तो यही होती है कि साहब रजिस्ट्रेशन, ये अजीब गरीब लॉ है जहां पर रजिस्ट्रेशन देने से झगड़े शुरू होते हैं या रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन से झगड़े शुरू होते हैं. ये कायरा नहीं है कि हाई कोर्ट्स में रजिस्ट्रेशन को लेकर भी इतने सारे केसेस हैं, जबकि ये होना नहीं चाहिए था, बट द लॉ इज दिस. तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको दे दिया गया तो रूल 21 कहता है जी कुछ कंडीशंस हैं या कुछ केसेस हैं यहां पर आपकी सर्कमस्टेंसेस है कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो कैंसिल कर दिया जाएगा. सो इफ यू डू नॉट स्टार्ट योर बिजनेसेस, आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा. यू हैव इशूड इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मींस भैया डिपार्टमेंट इज सेइंग कि भाई आप बोगस बिलिंग का काम कर रहे हो, आप सिर्फ बिल तो काट रहे हो सप्लाई नहीं दे रहे, यानी आप फ्रॉड एक्टिविटी में इंडल्ज हो. वायोलेशन ऑफ सेक्शन 171, आप अगर अदर वायोलेशन करते हैं, वायोलेट्स द प्रोविजन ऑफ रूल 10 कैपिटल ए. ये क्या है?
ये शुरुआत में नहीं था, ये बाद में लाया गया है। होता क्या था, जब जीएसटी नया नया आया, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने जाते थे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले कहते थे साहब प्लीज प्रोवाइड योर बैंक डिटेल्स। अब आप बैंक वाले के पास गए, बोले भैया मेरे को बैंक अकाउंट खोल दो, वो कहते साहब बैंक अकाउंट तो मैं आपका करंट अकाउंट खोल दूंगा, पर जरा मेरे को आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन की डिटेल दे दो अपनी। तो समस्या ये थी कि डिपार्टमेंट कह रहा था कि साहब बैंक डिटेल दो, बैंक वाला कह रहा था साहब जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो। अब गवर्नमेंट सारे बैंक्स को तो गाइडलाइन दे नहीं सकती थी, तो उन्होंने कहा साहब जीएसटी में प्रोविजन में ले आए अमेंडमेंट कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन चाहिए, यू डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, देन यू कैन फर्निश ऑल योर डिटेल्स एंड टेक दैट यू डोंट हैव अ बैंक अकाउंट, सो डिपार्टमेंट विल प्रोवाइड यू अ रजिस्ट्रेशन विदाउट योर बैंक डिटेल्स। बट इन दिस केस आपको 45 डेज में अपना बैंक अकाउंट खुलवा कर डिपार्टमेंट को अपडेट करना है दैट दिस इज योर बैंक डिटेल। द प्रॉब्लम इज दैट इसमें बहुत ज्यादा कैंसिल होते हैं रजिस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा। रीजन इज दैट कि लोग इस प्रोविजन का यूज तो कर लेते हैं और बैंक अकाउंट खुलवा भी लेते हैं, लेकिन वो 45 डेज में इंटीमेट नहीं करते, और जब वो इंटीमेट नहीं करते तो फिर उनका कैंसिलेशन हो जाता है, फिर डिटेल सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन रहते। ये फैक्ट्स के ऊपर होता है, तो इसमें फैक्चुअल डिटेल चाहिए होती है आपको, बहुत ज्यादा केस लॉस नहीं चाहिए। यू अवेल आईटीसी इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस जीएसटी से, आपने जो जरूरी आईटीसी था उससे ज्यादा क्लेम कर लिया। यू हैव नॉट फर्निश द डिटेल्स फॉर मोर देन 6 months इन जीएसटी, या आपने जीएसटीआर 1 में ज्यादा क्रेडिट दिखा दिया, पास ऑन ज्यादा कर दिया, और जीएसटीआर 3B में कम दिखाया और टैक्स कम पे करा, और यू violates a provision of rule 86B. 86B है कि भैया आपका ITC 99% तक restrict करा जाता है, उसके कुछ exceptions है कि आपने cash payment कर रखा है, इतना tax payment कर रखा है, seasonal काम है, 50 lakh का turnover, there are so many exceptions है, government है, PSUs है, we are not discussing that, लेकिन इसमें भी registration cancel हो सकता है। और इसमें एक सबसे बड़ा जो challenge आजकल आ रहा है कि जिनसे भी ये वॉयलेशन हो गया उनको नोटिस सेक्शन 74 में आ रहे हैं। कई बार लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब सेक्शन 74 यहां पर लगना नहीं चाहिए, क्योंकि सेक्शन 73 लगना चाहिए, इसे जेन्युइन केस। सेक्शन 74 की एक एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है जो कहती है सेक्शन 74 इज एप्लीकेबल व्हेन देयर आर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स में कहा कि साहब आपने गलत डिस्क्लोजर दिया विद एन इंटेंशन टू इवेट टैक्स, कि आपकी इंटेंशन थी टैक्स इवेट करने की, विद अ वेज जब आपने 1% ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया और टैक्स कम पे करा तो इंटेंशन का झगड़ा ही खत्म हो गया। यू हैड ऑलरेडी इवेटेड अ टैक्स, आपने ऑलरेडी सरकार का 1% टैक्स कम पे करा, तो इंटेंशन टू इवेट टैक्स यहां प्रूव ही नहीं करनी, आपकी रिटर्न खुद ही प्रूव कर रही है, यू हैड ऑलरेडी इवेडेड टैक्स। तो 74 यहां पर लग रहा है, अनलेस गवर्नमेंट स्पेसिफाई और गिव अ रिलैक्सेशन, 74 इज द करेक्ट सेक्शन। देन कम्स, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो यहां पर जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है 29 सेक्शन में। जब ये 29 में कैंसिल होता है तब आपको 30 में रिवोकेशन डालना हो। व्हेन यू पुट योर रिवोकेशन इन सेक्शन 30, जब आपके रिटर्न ना फाइल करने की वजह से रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो रिवोकेशन से पहले पहले आपको वो रिटर्न फाइल करनी होती। नाउ विद दिस लेट्स मूव अहेड, 10B छोड़ दीजिए, ये आधार लिंकिंग की बात है। Then the issue is of physical verification. ये सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होते हैं वो फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर कैंसिल होते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन जरूरी कहां है। सो इफ द प्रॉपर ऑफिसर, यानी जो आपका वार्ड वाला ऑफिसर है, इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट यू नीड अ फिजिकल वेरिफिकेशन बिकॉज देयर इज अ फेलियर ऑफ आधार वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन और यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर आधार, तो या तो रजिस्ट्रेशन देने से पहले वो आपका फिजिकल करवा सकते हैं, और ड्यू टू एनी अदर रीजन, यानी रजिस्ट्रेशन के बाद भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है,
हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू आर चेंजिंग योर प्लेस ऑफ बिजनेस, और यू आर चेंजिंग डायरेक्टर्स, और यू आर चेंजिंग वट एवर रीजन इट कुड बी, मे बी योर टॉप फाइव प्रोडक्ट्स और समथिंग लाइक दैट. नाउ देन डिपार्टमेंट माइट कंडक्ट अ फिजिकल वेरिफिकेशन. नाउ लेट्स कंसेंट्रेट ऑन दिस लाइन व्हिच आई विल रीड. Or due to any other reason after grant of registration. अब यहां से शुरू हो रही है बात. He may get such verification of place of business. He means the officer. In the presence of said person. Said person means जिसको आधार authenticate करना था या जो authorized person है उसकी प्रेजेंस आपको इंश्योर करनी पड़ेगी. इन द प्रेजेंस ऑफ सेट पर्सन डन. तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन उस पर्सन की उपस्थिति में करनी है. इन हिज प्रेजेंस, उसके अनुपस्थित रहने पर व्हेन द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट यू कांट डू फिजिकल वेरिफिकेशन. एंड द वेरिफिकेशन रिपोर्ट, उनको फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद क्या बनानी है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट along with other documents, the documents which they might be collecting from you, including photographs. तो photo भी खींचना है. Physical verification होगा उस आदमी की presence में, एक report बनाई जाएगी, report में सारे documents के annex लगाए जाएंगे और photo भी खींचना है और खींचकर अपने पास ही रखना. It shall be uploaded in REG 30. तो जीएसटी आरईजी 30 फॉर्म नंबर है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है. ऑन द कॉमन पोर्टल, द कॉमन पोर्टल वी ऑल नो इट इज gst.gov.in. विद इन अ पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फॉलोइंग डेट ऑफ सच वेरिफिकेशन. तो फिजिकल वेरिफिकेशन की इस रूल ने, देखिए जो कानून है वो एक्ट से चलता है. द कॉन्सेप्ट गोस विद द एक्ट. द प्रोसीजर, कि वो प्रोसीजर कैसे होगा, द मशीनरी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन द रूल्स. रूल्स बताते हैं कि ये काम किस प्रोसीजर से होना है. तो फिजिकल वेरिफिकेशन कहने को तो बहुत आसान चीज, बहुत सिंपल चीज है जी, ऑफिसर आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा चला जाएगा. नहीं, इट्स नॉट वेरी सिंपल, क्योंकि इसके बेस पर ही आपका रजिस्ट्रेशन बचेगा. तो देखिए कितनी सारी कंडीशंस लग गई हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर. उनको पर्सन की प्रेजेंस इंश्योर करनी है, उनको एक रिपोर्ट बनानी है, आपसे कागजों पर साइन लेने हैं वो एनेक्शन में लगेंगे, फोटोग्राफ लेना है, आरईजी 30 में रिपोर्ट के साथ इन सबको अपलोड करना है कॉमन पोर्टल में 15 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ 15 वर्किंग डेज, तब जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा. अब इसको जरा कुछ सेक्शन से कुछ केस लॉ से समझते. बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बिमल कोठारी, दिल्ली हाईकोर्ट. हुआ क्या इसमें, अब जरा लॉजिक समझिए इस केस में क्या होता है. इस पर्सन ने जून 2018 में बोला कि साहब मेरा जो है एड्रेस चेंज कर दो. डिपार्टमेंट तब तो जागा नहीं, डिपार्टमेंट ने जाकर इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया 4 दिसंबर 2018 में, और बाद में एक शो कॉज नोटिस दे दिया कि भाई हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं 4 दिसंबर 2018. अब देखिए क्या हुआ, क्या ये प्रैक्टिकल समस्या थी इस केस में. अब होता क्या है साहब, इसने जून में बोला भैया मेरा एड्रेस चेंज कर दो, दिसंबर में डिपार्टमेंट इसके पास गया फिजिकल वेरिफिकेशन करने. अब आप ये बताइए, डिपार्टमेंट को जून का वेरिफिकेशन करने ऑलमोस्ट 6 महीने बाद दिसंबर में जा रहा है, तो उसको कौन से एड्रेस पर जाना चाहिए था, जो रिकॉर्ड में था पुराने, या जो उसने रिक्वेस्ट करा नए पर जाना चाहिए. डिपार्टमेंट गया पुराने पर, डिपार्टमेंट कहता है जी हमें फिजिकल वेरिफिकेशन क्या करना है, विच इज एड्रेस ऑन रिकॉर्ड. एड्रेस ऑन रिकॉर्ड कहाँ है जी, पुराना वाला. और उस पर्सन को भी नहीं बताया कि भैया हम विजिट करने आ रहे हैं, बता देते तो वो अपनी नई जगह बुला लेता. ये पुरानी जगह गए, वहां पर इन्हें कोई आदमी नहीं मिला, इन्होंने उठाकर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया. अब ये पर्सन दिल्ली हाईकोर्ट गया इसके अगेंस्ट. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, या तो आप तभी करो, अदरवाइज तो फिर नए पर जाओ, फिर भी चलो कोई बात नहीं. तो भी रूल
क्या कह रहा था? रूल 25 कह रहा था कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए उस पर्सन को इंटीमेट करेंगे और फिजिकल प्रेजेंस इंश्योर करेंगे। तो यहां पर फिजिकल उसका इंश्योर नहीं करा गया बाय डिपार्टमेंट, दैट इज वाई दिस रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वॉज क्वेश्चन बाय द ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट।